दोस्तों, यदि आप एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू पीजीटी वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के बारे में। देखिए, इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब इस फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा, एक रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक देख सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है, अदर टॉपिक भी यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए, इसी तरह से यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक देख सकते हैं भाई यहाँ पर, है ना। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर। ये जितने भी टॉपिक है आपके इसके सिलेबस के, इनमें से आप गिने चुने दो तीन चार टॉपिक छोड़ दो, मुश्किल से चार टॉपिक छोड़ दो, बाकी जितने भी टॉपिक है आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर, जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान देना फ्री ऑनलाइन कोर्स है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ना ध्यान देना, नोट्स वगैरह की बात नहीं कर, डायरेक्ट आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स है एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर, उससे आप इस सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, एक बात बता देता हूं, जो फ्री ऑनलाइन कोर्स जिसके बारे में आपको बात कर रहा हो, इस फ्री ऑनलाइन कोर्स से आप देखो इस फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के तुम्हें कराओ लगभग लगभग पूरी 100% प्रिपरेशन कर सकता है। दो तीन टॉपिक को तो इतने सारे में से दो तीन टॉपिक की तो घटे ना, दो तीन चार, बाकी सारे टॉपिक आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम्स है फर्स्ट ग्रेड के, उनका भी मैक्सिमम सिलेबस फ्री ऑनलाइन कोर्स में कवर हो जाता है। लगभग 80% सिलेबस हर स्टेट का, चाहे वो आरपीसी हो, यूपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एटसेट्रा, मतलब जितने भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है ना केमिस्ट्री के, उन सभी का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाता है ना। और इस वैकेंसी का तो लगभग मान के चलो 90% सिलेबस फ्री ऑनलाइन कोर्स से कवर हो गया। तो कुल मिलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, है ना। उसी पर आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे तो उस पर पेड ऑनलाइन कोर्स भी हमने फ्री कर रखा है, लेकिन पेड ऑनलाइन कोर्स तो हमने लिमिटेड टाइम के लिए फ्री किया है ना, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जब तक पेड ऑनलाइन कोर्स फ्री है तब तक आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है परमानेंट फ्री है, वो दो चार आठ दिन के लिए फ्री नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री, जब तक आप चाहो तब तक उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन की एक खास बात हो रही है भाई, उस पर इस वैकेंसी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ जो अदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है या फिर और भी कई प्रकार के जो डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्री एग्जाम्स है, उनके प्रवेश पेपर भी मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ वहां पर आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आपको भाई डाउनलोड कर ही लेना है ना। आप चाहे किसी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के प्रिपरेशन करो, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना है। अब यहां पर अपन आगे बात करते हैं। देखो, ये जो वैकेंसी जिसके बारे में पर बात कर रहा है, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। डिटेल में क्या कवर करेंगे भाई, कि यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने, एज लिमिट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, है ना। यहां पर फॉर्म फीस क्या है, ए टू जेड सब कुछ यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। यहां पर सबसे खास बात क्या है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल है या नहीं। देखो, ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी है स्पेशली ये निकली है उत्तराखंड, उत्तराखंड पीएससी की ओर से, मतलब उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। तो यहां पर अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सबसे पहले अपन इसी पॉइंट को यहां पर कवर कर लेते हैं, ताकि रिलेटेड स्टूडेंट ही इस वीडियो को आगे देखे। हर स्टूडेंट इस वीडियो को आगे नहीं देखे, क्योंकि हो सकता है पता चले आपका टाइम खराब यहां पर हो, है ना। इसलिए सबसे पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर इसका जब एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन यहां पर रख दी, बोल तो दिया ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, भारत की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए, लेकिन यहां पर पता है क्या कंडीशन रखी है उन्होंने, कंडीशन रखी है कि आपके जो हाई स्कूल है और जो इंटरमीडिएट है वो उत्तराखंड से पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट आपने उत्तराखंड से ही पास की हो, या फिर आपके माता पिता
है ना, किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में हो और उनके एक तरह से ट्रांसफर के भी चांस नहीं हो, है ना। यह फिर इस मतलब कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आप वही रहते हो, है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो इंटरमीडिएट और कुल मिलाकर ये जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल आपकी उत्तराखंड से है, या फिर आपके जो माता पिता है वो उत्तराखंड में जॉब करते हैं और उनके ट्रांसफर के चांस नहीं है, तो ऐसे केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ले देकर देखा जाए ना, तो पता है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है देखो, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, इस क्राइटेरिया के अंदर तो लिमिटेड स्टूडेंट ही आएंगे, बहुत कम स्टूडेंट आएंगे। तो कुल मिलाकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो वैकेंसी है ना, ये उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए है। यू मान लो बाहर के स्टूडेंट कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेंगे और जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रिलेटेड स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना, इसको समझ लेना, तो आप इस वीडियो को आगे देखना। अदरवाइज यहाँ पर वीडियो को स्किप आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके थ्रू आप कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एक रुपये पे नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी हमने मटेरियल काफी अच्छी तरह से अरेंज करके डाला हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं। देखो यहां पर जब आप देखोगे तो इसी को जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे इस वेबसाइट को, तो यही पर आप देख लेना, ये जो यहां पर दे रखा है ग्रुप सी, इसी में यहां पर जब क्लिक करोगे तो आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर पाओगे, या और यही से पर जब क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो यही से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब यही से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर अपन आगे बात करें भाई, आगे बात करें। देखो यहां पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2024 है, और उसके बाद 19 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन आगे बात करें, देखो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो 613 निकली, फर्स्ट ग्रेड के ध्यान देना 613, केमिस्ट्री की नहीं है, सभी सब्जेक्ट की मिलाकर 613 पोस्ट है, उनमें से 550 पोस्ट जो है वो सामान्य शाखा में है और 63 पोस्ट महिला शाखा में। ध्यान देना, महिला शाखा के अंदर केवल महिला ही अप्लाई कर सकती है, लेकिन सामान्य शाखा के अंदर सब अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो जो आपका पेमेंट रहने वाला है वो 47,600 से लगाकर 1,51,100 पे है, मतलब लेवल 8 का यहाँ पर पेमेंट मिलेगा एक तरह से। ये आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, बाकी जो भी अदर अलाउंस होगा वो होगा, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट आपको बता रखी है न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पर दे रखी है जो 42 साल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर रखी है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 7 नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब सीधी सीधी बात है, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन इस डेट तक, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहां तक आपको कंप्लीट कर लेनी है ना। अब यहाँ पर देखो सामान्य शाखा के अंदर 550 पद है ना, इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, 550 पद है, और इनमें केमिस्ट्री का जो है वो 36 पद है, जिनका कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो जो महिला यहाँ पर शाखा है उसके अंदर 63 पोस्ट है टोटल, जिनमें से केमिस्ट्री की मात्र यहाँ पर 2 पोस्ट है, और इनको भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर देखो इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास अप्लाई करने के लिए एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए, ध्यान देना एमएससी प्लस बीएड या फिर एमएससी प्लस एलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक बात बोलिए कि अगर आपके पास एनसीसी वगैरह ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो फिर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी प्लस बीएड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो जो एज की कैलकुलेशन है, एज की कैलकुलेशन आपको 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग करने है ना। यहाँ पर लोअर एज लिमिट कितने 21 साल, मैक्सिमम कितनी 42 साल, कैलकुलेशन आपको 1 जुलाई 2021-24 के अकॉर्डिंग करने हैं, और कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है जिसके बारे में यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दे रखा है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना किस कैटेगरी में कितने हैं। एप्लीकेशन फीस तो हालांकि काफी कम है ना, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो पेपर होगा
पेपर होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, एक चौथाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखो आपका जो पेपर होगा ना, यहाँ पर दो चरण में पेपर होगा, मतलब दो पेपर आपके होंगे। एक जो पहला पेपर होगा वो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो केवल आपको पास करना है, उसका आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा। तो पहला पेपर यहाँ पर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 है ही सही, मैंने आपको बता ही दिया पहले, ठीक है ना। तो ये आपके केमिस्ट्री का नहीं होगा, ये सब्जेक्ट का नहीं होगा, इसके अंदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल आपको पास करना है। अगर ये अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर उस कंडीशन में आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात है, आप पर आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब ये क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहां पर अपन बात करें इसके सिलेबस की, तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसका सिलेबस ये है। अब सिलेबस को चाहो तो आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ये, या फिर आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इस सिलेबस को हम हमारे इस सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको चाहो तो डाउनलोड कर लेना, है ना। ये पूरा इसका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है भाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, फिर यहाँ पर अलग। अब इसी तरह से फर्स्ट पेपर जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 रहेगा। सेकंड पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके केमिस्ट्री के होंगे, है ना। स्टार्टिंग में मैंने जिस सिलेबस के बारे में बात करी ना, वो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में ही बात करी थी, और एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हो केमिस्ट्री वाले सिलेबस की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये बता रखे है ना, ये आपको बता रखे है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, मतलब फर्स्ट पेपर जो होगा ना उसका के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये बता रखे। अगर आप ये परसेंटेज है यहाँ पर देख लेना, इतने परसेंट आपको मिनिमम मार्क्स लाने, अगर इतने परसेंट मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो फिर आप सेकेंड पेपर के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। इसी तरह से जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर माने हैं, परसेंट मार्क्स को अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो, फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, काम खत्म हो गया। सेकंड पेपर के लिए जब आप एलिजिबल होंगे, सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करोगे, तो सेकंड पेपर में भी आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने हैं, इतने परसेंट नंबर तो लाने हैं। अगर आप इतने परसेंट नंबर नहीं ला पाते हैं तो ये आपको नहीं लेंगे, चाहे सीटें खाली क्यों नहीं रह जाए, ठीक है ना, फिर भी आपको नहीं लेंगे, है ना। तो ये मिनिमम है, इतने तो आपको लाने ही लाने हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीधी सीधी बात है केवल सेकंड पेपर के बेसिस पर होगा, फर्स्ट पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो आपके समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।